लड़का और एक लड़की जो कि आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दिन उनके फैमिली को पता चल जाता है और लड़के वाले तो राजी हो जाते हैं, लेकिन लड़की वाले लड़के को ये कहकर छाड़ देते हैं कि लड़का बहुत गरीब है, वो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। अब लड़का ये सोचता है कि वो एक अच्छा सा जॉब करेगा तभी उस लड़की से शादी करेगा, और कुछ दिनों बाद वो लड़का सोल्जर बन जाता है। जब लड़की वाले ये सुनते हैं कि लड़का सोल्जर बन गया है तो लड़की के माता पिता राजी हो जाते हैं शादी के लिए, और कुछ दिनों में उनकी इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाती है। तभी अचानक लड़के को एक वॉर में जाने के लिए नोटिस आ जाता है और लड़का सिर्फ इंगेजमेंट करके एक साल के लिए चला जाता है। दोनों के माता पिता भी राजी हो जाते हैं कि एक साल बाद दोनों की शादी धूमधाम से कर देंगे, लेकिन लड़के के वॉर में जाने के कुछ दिन बाद लड़की का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़्यादा ही घायल हो जाती है। अगले दिन वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। जब वो खुद को मिरर में देखती है तो बहुत ही बुरा फील करती है। उसे लगता है कि अब वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं दिखती, अब वो सुंदर भी नहीं लगती। एक साल बीतने के बाद लड़का घर आता है और उस लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन वो लड़की मिलने से मना कर देती है। अब वो लड़का भी उदास हो चुका था, लेकिन वो लड़का कुछ दिमाग लगाता है और एक शादी का कार्ड लेकर के उस लड़की के घर जाता है और उसकी माँ को कार्ड देते हुए कहता है कि ये कार्ड उसे दे दीजिएगा। लड़की को लगता है कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर रहा है, इसलिए वो कार्ड में नाम देखती है तो उसे खुद का नाम ही लिखा हुआ मिलता है। लड़का भी वहीं पर रहता है और लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारे खूबसूरती को देखकर तुमसे प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हारे दिल को देखकर तुमसे प्यार किया था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लड़के की यह बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़की शादी के लिए मान जाती है। फिर उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। वो कहते हैं ना, प्यार अगर हो जाए तो खूबसूरती नहीं देखी जाती, प्यार तो कभी भी किसी को किसी से हो सकता है। प्यार एक एहसास होता है जो कभी किसी के खूबसूरती और चेहरे को देखकर नहीं होता है, ये तो बस हो जाता है। अगर आपको भी कभी किसी से सच्चा वाला प्यार हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।